दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीसीसीआई ने भले ही श्रेयस अय्यर को निकाल दिया, लेकिन अब यूएस क्रिकेट बोर्ड ने न केवल श्रेयस अय्यर को करोड़ों रुपए की धनराशि का ऑफर दिया बल्कि उन्हें अपने देश का कप्तान बनाकर उन्होंने तो बीसीसीआई को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो किया भारतीय क्रिकेट में तो बवाल मचा दिया है। तो आखिर कैसे अय्यर छोड़ चुके हैं टीम इंडिया का साथ? क्या टी20 वर्ल्ड कप में अय्यर यूएसए की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? कितने करोड़ रुपए का मिला उन्हें ऑफर? क्या कुछ रहा इस पर अय्यर का रिप्लाई? सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में विवादों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते हैं न पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने यह नहीं सुना था और हमें बीसीसीआई के मगरमच्छ ने उन्हें ऐसा काटा कि इन दोनों खिलाड़ियों को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को नजरअंदाज किया, अपने क्रिकेट बोर्ड को हल्के में लेने की गलती करी और अभी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय क्रिकेट में हो पाएगा या नहीं। दरअसल इसी साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी खेला जाना है, ऐसे में दोनों खिलाड़ी के सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर होना एक बड़ा झटका है, जहां इन दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भी जगह नहीं दी गई थी। बताते कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने श्रेयस अय्यर को घरेलू क्रिकेट में खेलने को कहा था, लेकिन इसके बाद भी घरेलू क्रिकेट टीम मुंबई की ओर से ये नहीं खेले, जिसके बाद वो बीसीसीआई के निशाने पर आ गए। बीसीसीआई ने साफ तौर पर प्रेस रिलीज में बताया कि जो खिलाड़ी टीम इंडिया की ओर से नहीं खेल रहे हैं उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा, तभी जाकर उनके चयन के बारे में आगे सोचा जाएगा। और अभी बीसीसीआई ने ईशान और अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखकर उन्हें युवा खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया है जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं, यानी कि वे क्रिकेट ना खेलने पर कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि उसके बाद वो मैदान में वापसी करने चले गए। उन्होंने मुंबई की तरफ से रणजी ट्रॉफी मैच भी खेला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब बीसीसीआई ने अय्यर का करियर खत्म कर देगी, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने अय्यर के साथ दुर्व्यवहार किया है वह बेहद हैरानी करने वाला फैसला है, क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की तरफ से काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बावजूद उसके बीसीसीआई ने अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन अय्यर की किस्मत ऐसी पलटी कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में हाहाकार मचा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भले ही अय्यर की कदर नहीं की हो, लेकिन अब विदेशी क्रिकेट बोर्ड ने अय्यर को न केवल करोड़ों रुपए का ऑफर दिया बल्कि अपने देश में कप्तान बनाने का सुनहरा मौका भी देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की कमर तोड़ने का मन बना लिया है। जी हाँ, वह और कोई नहीं बल्कि अमेरिका का यूएस क्रिकेट बोर्ड है, जिनकी लंबे समय से इस खिलाड़ी पर नजर थी और अब इस मिले मौके का बेहतरीन फायदा उठाते हुए उन्होंने अय्यर को एक बड़ा ऑफर भेजा है, जिसमें न केवल अय्यर को 25 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे बल्कि उन्हें यूएस का अगला कप्तान भी नियुक्त किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब उनके एक सीनियर ऑफिशियल ने बयान में कह दिया कि श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, हमने उन्हें खेलते हुए देखा है, हमें हैरानी हुई कि बीसीसीआई ने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन यह हमारे लिए एक मौका है, हमें अय्यर जैसा दिग्गज खिलाड़ी की जरूरत है जो न केवल हमारे देश में आकर खेले बल्कि यहाँ रहकर हमारे क्रिकेट टीम को दुनिया में एक नई पहचान दिलाए। उनकी जो क्वालिटी है वो हमारे बहुत काम आ सकती है, हम चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आकर रहे, हम उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और कप्तानी देने के लिए तैयार है, यह हमारे लिए खुशी की बात होगी यदि वो हमारे यहाँ आकर खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अमेरिका ने अब अय्यर को ऑफर दिया है, ऐसे में अभी यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि श्रेयस अय्यर इसका रिप्लाई देते हैं या नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अय्यर को अमेरिका जाना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।